आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड 19 के दूसरे दौर में पहली बार गोरखपुर में मंगलवार को मिले 772 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मुकाबले कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या हुई रिकॉर्ड 1002, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 38,140। अब तक 428 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 9,411 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम संबंधित बैठक। कंटेनमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के दिए निर्देश। कहा, युद्ध स्तर पर कराया जाए सैनिटाइजेशन। लूट, पशु तस्करी समेत अन्य आपराधिक मामलों में वांछित शातिर बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। दो साथी हुए फरार। एसपी सिटी ने कहा, दर्जनों मुकदमों में था वांछित, मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन मतगणना में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को किया गया ड्यूटी कार्ड का वितरण। एडीएम फाइनेंस ने कहा, एनआईसी हॉल पहुंचकर प्राप्त कर लें अपना ड्यूटी कार्ड। नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई महानगर में जल भराव सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा बैठक। कहा, मानसून के पूर्व करा लें सभी छोटे बड़े नालों की सफाई। अंत्येष्टि स्थल पर रखे विशेष चौकसी, नागरिकों को ना होने पाए कोई दिक्कत। नगर निगम के सौजन्य से फायर विभाग की दो गाड़ियां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कर रही है सैनिटाइजेशन। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा, सरकार के दिशा निर्देशों का करें पालन, मिलकर कोरोना को करेंगे खत्म। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन के मतगणना ड्यूटी पर लगाए गए आरओ एआरओ को दिया गया प्रशिक्षण। 2 मई को होने वाले मतगणना को कराएंगे सम्पन्न। आगजनी की घटना को लेकर सतर्क है फायर ब्रिगेड। जनपद के 6 स्थानों पर लगाया गया है अग्निशमन की गाड़ी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि आग की सूचना पर की जाती है त्वरित कार्रवाई। नगर निगम अपने 70 वार्डों में लगातार चला रही है सैनिटाइजेशन अभियान। नगर आयुक्त ने कहा, जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है वहां हमारे फ्रंटलाइन वर्कर मैनुअल तरीके से कर रहे हैं सैनिटाइजेशन। जनपद में जिला अस्पताल सहित 35 बूथों पर किया गया 45 साल से ऊपर के 2,199 नागरिकों का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज में 1,574 और सेकेंड डोज में 625 लोगों का हुआ टीकाकरण। नहीं हुई कोई दिक्कत। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाए गए नाइट कर्फ्यू मंगलवार को भी रहा लागू। सड़कों पर दिखा नाइट कर्फ्यू का असर। एसपी सिटी ने कहा, जनता का मिल रहा है भरपूर सहयोग।